वेल तो रिया रिप्ली एज अ फेस, बट मुझे पता नहीं चल रहा वो हील कब बनी थी और फेस कब बनी थी भाई, कैरेक्टर का पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे तो रिया रिप्ली के। वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मानवीय पंकज। तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम रेसलिंग रिलेटेड न्यूज के बारे में, जिसमें तुम्हें अंडरटेकर के रिटर्न से जो कि रॉ के बारे में पता चलेगा, एंड जॉन सीना के फुल टाइम के बारे में, एंड क्या डेनियल बन जा सकते हैं AEW में, एंड जो कि टोनी स्टॉर्म के कैरेक्टर चेंज के बारे में बहुत सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट थिंग जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न से रिलेटेड है। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि हो सकता है कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न WWE के अंदर जल्द ही देखने को मिल सकता है। एंड जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि ब्रॉन स्ट्रोमन, वेल तो इनका टी शर्ट अभी भी हमें WWE के शॉप पे बिकते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब सेल होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यहां से हो सकता है कि हमें हिंट देखने को मिल रहा है कि कहीं ब्रॉन स्ट्रोमन फ्यूचर में हमें जो कि WWE के साथ वापस से रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE के अंदर, जो कि आई थिंक मुझे भी लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। एंड मतलब समोआ जो भी आ सकते हैं तो आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ सकते हैं। सो क्या देखते हैं सही में ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। एंड नॉन कंप्लीट क्लॉज तो अभी भी चल रहा है, सो देखते हैं वहां वो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन कहां पे देखने को मिलते हैं। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि जॉन सीना की तरफ से है। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दें तो जॉन सीना हमें समर स्लैम तक फुल टाइम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो हमें रॉ एंड स्मैकडाउन, हमें मतलब स्मैकडाउन में भी लगातार देखने को मिल सकते हैं, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा। एंड जॉन सीना को मतलब इतने दिनों तक लगातार देखना जो कि बहुत ही अच्छा होगा, एंड उनका रन भी देखना अच्छा रहेगा। ये एक छोटा सा रन होगा समर स्लैम तक, एंड आई थिंक उसके बाद भी हमें देखने को मिले शायद से जॉन सीना, बट उसके बाद शायद से उनके जो कि फिल्म की शूटिंग है, तो मे बी मुझे लगता है कि समर स्लैम तक बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हमें जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं। सो देखते हैं यार, ये टाइम इंजॉय करो और क्या। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि डैनियल ब्रायन की तरफ से आ रही। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि डैनियल ब्रायन, वेल तो उनका WWE के साथ कोई भी बातचीत नहीं चल रहा है, एंड उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी लेकर कोई बात नहीं चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे लग रहा है कि हमें जो कि डैनियल ब्रायन किसी और कंपनी में जाते हुए दिखाई देंगे, एंड इसके रूमर्स हमें पहले से ही देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे जो कि हमें लगता है कि डैनियल ब्रायन आई थिंक AEW में देखने को मिल सकते हैं, जो कि रिसेंट के बहुत सारे सुपरस्टार्स हमें AEW में देखने को मिले हैं। सो आई थिंक इसका रीजन हो सकता है कि हमें डैनियल ब्रायन जो कि AEW में देखने को मिल सकते हैं। एंड फिलहाल जो कि डैनियल ब्रायन को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जा रहा, एंड कहीं पे भी उनका नाम जैसे कि गेम्स, वीडियो गेम्स या फिर कहीं पे भी उनको मेंशन नहीं किया जा रहा। सो ये थिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि टोनी स्टॉर्म की तरफ से आ रही है। तो वेल टोनी स्टॉर्म का जो हमें कैरेक्टर है वो मेन रोस्टर में चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है, एंड टोनी स्टॉर्म के कैरेक्टर में हमें चेंज ये होते हुए दिखाई देगा कि हमें जो कि टोनी स्टॉर्म आई थिंक जो कि हमें NXT के अंदर हील देखने को मिलती थी, वो हमें जो कि मेन रोस्टर में आने के बाद एज अ फेस सुपरस्टार देखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक टोनी स्टॉर्म का ये कैरेक्टर हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं टोनी स्टॉर्म का हमें एक नया कैरेक्टर कैसा देखने को मिलता है, एंड कैसे उनको फैंस के सामने ओवर करते हैं, जो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि WWE रॉ की तरफ से। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि WWE रॉ में हमें, वेल तो हमें टाइम का चेंज देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ में, जो कि हमें ओलंपिक की वजह से टाइम चेंजेस देखने को मिल सकता है। सो वो सिर्फ एक वीक के लिए होगा। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से रॉ का हमें चेंज देखने को मिलता है। सो वेल इसके बारे में अपडेट आएगी तो तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग और ये आ रहा है WWE के NXT टेकओवर से। सो वेल WWE का NXT टेकओवर हमें देखने को मिल चुका है, एंड इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। सो WWE का NXT टेकओवर जो कि हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम के बाद, जो कि समर स्लैम हमें सैटरडे को देखने को मिलेगा। सो ये जो NXT टेकओवर है ये हमें 22 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो ये हमें संडे को देखने को मिलेगा जो कि USA के अंदर, और अपने इंडिया में हमें ये जो कि मंडे को देखने को मिलेगा। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा WWE NXT टेकओवर। सो आई थिंक आई होप इसमें हमें कुछ अच्छे खासे मैचेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि NXT टेकओवर के लिए भी हाइप बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, जैसा कि समर स्लैम के लिए है। सो वेल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल तो नेक्स्ट वन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन न्यूज़ जो कि बहुत ही खतरनाक है, और ये न्यूज़ आ रही है जो कि दी अंडरटेकर की तरफ से। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि दी अंडरटेकर इस टाइम जो कि हमें स्पॉटेड किए गए थे बैक स्टेज जो कि WWE के रॉ के एपिसोड में, जो कि हमें जो कि इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड देखने को मिला था, जो कि दी अंडरटेकर हमें बैक स्टेज स्पॉटेड किए गए थे। और ये जो कि रिपोर्ट्स का कहना है कि हमें अंडरटेकर जो कि देखने को मिले थे, वेल तो क्लियर नहीं है कि वो किस रीजन से हमें देखने को मिले थे। वेल लेकिन हमें अंडरटेकर देखने को मिले थे रॉ के बैक स्टेज में। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें आगे चल के जो कि दी अंडरटेकर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो दी अंडरटेकर का हमें रिटायरमेंट देखने को मिला था वो फैंस के सामने हमें नहीं देखने को मिला था। सो आई थिंक आई होप
डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान करे जो कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, अंडरटेकर का रिटर्न देखने को मिले। सो जो कि वैसे भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ में बहुत सारे सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि यहाँ पे हमें दी अंडरटेकर भी रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वेल तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।